स्वागत करती हूँ आदरणीय मीना दीदी का। स्वागत है आपका। आपसे कुछ प्रश्न है हम समाज के लिए। महिला आयोग के सदस्य के तौर पर आपका अनुभव कैसा रहा और वर्तमान समय में महिला आयोग की क्यों आवश्यकता है? धन्यवाद शिल्पी जी। धन्यवाद शिल्पी जी। सर्वप्रथम आज के इस दिन के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंच, हमारे सामने सभी ख्याति लब्ध लोग बैठे हैं। केलू जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, नूतन जी हैं, सत्येंद्र जी, सभी लोग बैठे हुए हैं। गहनी से मनीष जी हैं। सभी अपने अपने विधा में, अपने अपने क्षेत्रों में एक अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। समाज के जीवन में विभिन्न आयामों को छू रहे हैं। आपका प्रश्न भी इस समसामयिक भी है। लोगों के मन में एक अक्सर प्रश्न भी आता है कि महिला आयोग के तौर पर कार्य करने का अनुभव क्या है। तो मेरा ऐसा, मुझे ऐसा मानना है, ऐसे तो सामाजिक जीवन में रहते हुए मैंने महिलाओं के बीच में कई काम किए हैं, लगातार कर भी रही हूँ। महिलाओं को किस तरह से शिक्षा, स्वावलंबन, सुरक्षा आदि विषयों पर सरकार की जो नीति रीति है उसके साथ किस तरह से समन्वय करा करके समाज जीवन में रहने वाली जो भी बहनें हैं या गांव ग्रामीण प्रवेश की जो बहनें हैं उनको किस तरह से सुविधाएं विभिन्न प्रकार के मिल सके, ये सुनिश्चित कराना हम लोगों के एक मन भाव में सदा रहा है और मैं लगातार करती रही। लेकिन महिला आयोग में आने के बाद से उसका अनुभव एक अलग प्रकार का रहा। जुडिशरी के नाते बहनों की समस्याएं आती थी और उस समस्या का निराकरण करना, यानी विभिन्न आयामों में जो भी बहनें हैं, चाहे परिवार जीवन में अगर किसी प्रकार की उनकी समस्या हो रही है या समाज जीवन में समस्या हो रही है या पठन पाठन शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है, उन समस्याओं के लिए जो भी कंप्लेंट्स आते थे, बहनों की शिकायतें आती थी या सुनवाई में मैं बैठती थी तो उनकी समस्याओं का निराकरण मैं कराती थी ऑर्डर करके और संबंधित अधिकारियों को आदेशित करती थी कि इन बहन का जो भी समस्या है उसका निराकरण कराओ। यह निश्चित रूप से बहुत ही सुखानुभूति थी जिसको मैं मानती हूँ और आज भी बहनें लगातार संपर्क में रहती हैं। किसी प्रकार की अगर उनको समस्याएं होती हैं तो मैं निश्चित रूप से उन लोगों के बीच में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उनके लिए लगी रहती हूँ। और निश्चित यह सुखद एक पहलू है, एक दायित्व बोध के साथ काम करना निश्चित बहुत ही आनंद का क्षण भी होता है। और यह लगता है कि हम किसी के लिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सब कुछ हमें प्रदत्त है, प्राप्त है, तो हम भी समाज के लिए, जैसे कि आज द गहनी इस समाज जागरण में काम कर रहा है, तो इस तरह से हम सब लोगों को भी विभिन्न अपने अपने क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है और उसको बहुत अच्छे तरीके से करना अच्छा भी लगता है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न था क्या इसके साथ में? मीना जी, एक मेरा और क्वेश्चन है, महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने हेतु क्या सबसे सरल चीज़ें हैं जो कि हर एक महिला नहीं जानती कि महिला आयोग क्या है, महिला आयोग में कैसे पहुंचा जा सकता है अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए? देखिए, जब महिला आयोग में मेरा जाना हुआ तो एक, हम सब लोगों ने एक नंबर लॉन्च किया था 630-651-1708 यह नंबर सभी जगह थाना से लेकर के विभिन्न जगहों पर या सब सोशल पोर्टल पर, अखबारों में, सब जगह यह प्रेषित था। कोई भी गांव की भी बहन, किसी को थाने में आने की ज़रूरत नहीं है, उस नंबर पर अपनी एक चिट्ठी कागज़ में लिख करके अपना कंप्लेंट, और वह उस नंबर पर व्हाट्सएप करना है अपने आधार के साथ, अपने फ़ोन नंबर के साथ, और किसके विरुद्ध हम शिकायत कर रहे हैं उसके जानकारी के साथ में,
वहाँ पर भेजना है, वहाँ से एक रिसीट आ जाएगी आपको कि आपका केस दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद से फिर वहाँ से जब ऑर्डर होता है तो आपको आपसे पूछताछ की जाएगी और जो संबंधित जिससे आपका किसी प्रकार का पीड़ा पहुँची है उनको भी बुला करके उसके निराकरण का उपाय किया जाता है। और ज़्यादातर मसले में ऐसा आया है कि प्रयास होता है कि दोनों पक्ष बैठ करके अगर किसी प्रकार की अगर समस्याएं हुई, जैसे परिवार जीवन में है, किसी कोई महिला वायलेंस की शिकार है, किसी महिला को बहुत पीड़ा पहुंचाया गया है परिवार के द्वारा या पति के द्वारा, तो उनकी जो शिकायत होती है उनको बुला करके और उसको दर्ज भी कराया जाता है और मेडिएशन के माध्यम से भी कोशिश किया जाता है कि दोनों परिवार एक हो जाए। नहीं होता है तो फिर शिकायतों के माध्यम से फिर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इसी तरह चाहे बालिकाएं हैं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत अच्छा सब जो पढ़ने वाली बेटियां हैं वो भी निर्भय होकर के जा रही है, चाहे दिन हो रात हो महिलाएँ सहज रूप से अपना जीवन अपना दैनिक कार्य कर रही हैं, चाहे समाज जीवन का हो, चाहे परिवार जीवन का हो, चाहे हाट बाजार हो, कहीं भी महिलाएं जो सहज रूप से जा रही हैं वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही प्रभावी कदम जिसको कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो एक सुरक्षा का उपाय सुरक्षा कवच दिया गया है उसके माध्यम से यह सुनिश्चित हो रहा है और महिला आयोग उसमें निरंतर कदम बढ़ा रही है और इसमें काम कर रही है। अगला सवाल है, आप एक महिला के तौर पर समाज को कैसे देखती हैं, क्या किसी परिवर्तन की आवश्यकता है हमारे इस समाज में? देखिए शिल्पी जी, ये प्रश्न बहुत ही ज्वलंत है। हम आधी आबादी की बात करते हैं, आधी आबादी निश्चित रूप से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सशक्त रही भी हैं और अभी भी हो रही हैं, निरंतर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाएगा तो हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। सरकारें बहुत काम कर रही हैं, चाहे शिक्षा पर हो, चाहे स्वास्थ्य पर हो, चाहे सुरक्षा पर हो, चाहे स्वावलंबन पर हो। बहुत गांव वगैरह में भी अगर आप जाएंगे, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, चाहे एजुकेशन के माध्यम से जो बहनें पढ़ रही हैं वो भी काम हो रहा है। सरकारें काम करती हैं लेकिन जागरूकता हमें अपने समाज में स्वयं के द्वारा करना पड़ता है, क्योंकि जब हम स्वयं अपने परिवार से इसकी शुरुआत करते हैं, उसके बाद अड़ोस पड़ोस से शुरुआत करते हैं, मोहल्ले से करते हैं, फिर गांव गिराव से करते हैं, फिर नगर शहर और प्रदेश और देश तक बातें जाती हैं। जब हम अपने समाज को समुचित व्यवस्था, सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन अगर नहीं दे सकते हैं, यानी कहने का आशय है कि हम सरकार काम करती है लेकिन हम बहनें अगर कहीं ना कहीं किसी गांव को अगर गोद ले करके इन बहनों के लिए अगर चिंतन का काम करते हैं, बहुत सारी बहनें हैं, जिस सामने नीलू जी बैठी हैं, सामने डॉक्टर साहब नीतू जी बैठी हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो बहनों पर ही काम कर रही हैं। ये खेल जगत में एक अपना नाम मुकाम है, जो चिकित्सा क्षेत्र में है वो चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। वो ज़रूरतें ये है कि महिलाओं को स्वावलंबन की भी ज़रूरत है। हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन स्वावलंबन प्राप्त करने के लिए जो बहनें गांव में मैं देख रही हूँ, बहुत सारी बहनें हैं जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बहुत सारा काम कर रही हैं, लेकिन हम सब लोगों को उन लोगों से एक टाई अप करके गांव में उतरने की ज़रूरत है। जब हम गांव में उतरते हैं, संवाद करते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का सहज समाधान होता है और हमें भी यह अनुभव होता है कि कितना कदम गांव की बहनें बढ़ गई हैं और कितने कदम और आगे बढ़ाने के लिए वो उत्सुक है, आतुर है, और हम उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इन बहनों के लिए यह बहुत बड़ा विषय है, यह करने का विषय है, मुझे ऐसा लगता है। यह बहुत मनन अगर हम करेंगे, बहुत चर्चा करेंगे, चर्चा से चर्चा परिचर्चा होना तो ठीक है, लेकिन इसको इसके लिए फील्ड में बहनों के बीच उतरना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को भी समझना पड़ेगा और उसके साथ में वो कैसे कदम से कदम आगे बढ़ाती हैं, जो जिस क्षेत्र में है, जैसे जो लॉ के क्षेत्र में है या कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है, तो कितनी बहनों को वो जागरूक कर, समाज के विभिन्न आयामों को, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से
जो थोड़ा सा अगर लगता है कि यहाँ और ज़रूरत है तो उसका उन्नयन की किस तरह से हम चिंता कर सकते हैं वो अपने अपने विधाओं में लोगों को करना चाहिए और हम सब लोग निरंतर कर भी रहे हैं। जैसे कि अभी आज के संस्था गहनी ने इस परिचर्चा को एक हाथ में लिया है तो निश्चित कदम से कदम आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में एक सवाल है मेरा कि जब भी सभ्यता और संस्कृति की बात आती है तो सब महिलाओं पे ही थोपा जाता है, चाहे उनके पहनावे के लेकर हो, घर में उनकी आज़ादी को लेकर हो, स्कूल कॉलेज जाने से लेके समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ बनती हैं। तो इसी क्रम में मेरा सवाल है कि क्यों पहनावे ही लड़कियों और संस्कृति और सभ्यता क्यों सिर्फ महिलाओं पे थोपी जाती है, क्या कारण है भी आपसे जानेंगे। शिल्पी जी बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी का आशय समझना पड़ेगा। बहुत सारी बहनें आज़ादी का आशय नहीं समझ पाती हैं। हम आज़ाद देश में हैं, हम आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी का आशय हम शिक्षित हों, स्वावलंबी हों, हमारा सम्मान हो, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो, यह तो ठीक है, लेकिन आज़ादी किस तरह की आज़ादी बहने प्रश्न करती हैं या जो चाहती हैं ये पहले जानना समझना ज़रूरी होता है। मुझे नहीं लगता है कि गांव में किसी बेटी को पढ़ने के लिए रोका जाता है। मैं गांव में भी प्रवास करती हूँ लगातार। आज गांव में खेत में काम करने वाली, मिर्चे के खेत में, विभिन्न टमाटर के खेत में काम करने वाली किसान परिवार की बहनें भी अपनी बेटियों को समय निकाल करके और पढ़ने के लिए स्कूल भेजती हैं। वह एक आज़ाद स्वरूप ही है, आज़ाद भारत का है, उन्नयन का एक रूप है। नारी किस तरह से आगे बढ़ रही है, बेटियां घर से बाहर निकल रही है। अभी अभी आपने देखा है सिविल सर्विसेज का, बहनें जा रही हैं, बेटियां जा रही हैं, लेकिन हमारा डायरेक्शन क्या है? उस आज़ादी का डायरेक्शन हम किस प्रकार से सोचते हैं? क्या हम पहनावा को आज़ाद मानते हैं? पहनावा स्वयं की अनुभूति होती है, हम स्वयं के भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम उस तरह से सोचते हैं तो वो अलग विषय है। ये मेरा मानना है, सबका अलग अलग मानना हो सकता है। जैसे डॉक्टर साहब अभी साड़ी पहनी है, नीरू जी धावी का है तो एक अलग प्रकार का ड्रेस पहनी है। सबका एक अलग अलग सोच है, एक अपने अपने मानसिकता के हिसाब से हम चलते हैं, लेकिन यह किसी पर कोई थोपता नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। मैं गाँव में भी जाती हूँ, गाँव में बेटियाँ भी जाती हैं, अलग अलग ड्रेस, अलग अलग पहनावा पहनते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जिसका ड्रेस नहीं उसका एड्रेस क्या है। तो निश्चित रूप से अगर एक धावक है तो धावक का एक अपना एक रूटीन वर्क होता है, लेकिन अगर विभिन्न आयामों में अगर कहीं जाना हो, चाहे कोई शिक्षिका है या कोई अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, उनका एक अलग स्वरूप होता है, तो उसका अगर हम पालन करते हैं तो एक समाज में सुंदर चित्रण भी होता है। लेकिन हम हर जगह हर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यह भी मानक में हम सब लोगों को सोचना चाहिए। इसलिए सोचना चाहिए कि हम भारत हैं, हम भारत का बोध पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है, भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जा रहा है, आज भारत की जय जयकार हो रही है। आप देख रही होंगी कि बहुत सारी बहनें जो बाहर से आ रही हैं वह भारतीय बोध और भारतीय संस्कृति, भारतीय परिधान, भारतीय भाषा, भारतीय खान पान, भारतीय चीज़ों की स्वीकार्यता बढ़ रही है पूरे विश्व में। तो हम क्यों ना उन चीज़ों को और आगे बढ़ाने का काम करें, यह मेरा ऐसा मानना है। बाकी कहीं कोई परतंत्रता नहीं है, कहीं कोई अस्वीकार्यता नहीं है, हम अपने हिसाब से, अपने ज़रूरतों के हिसाब से, अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार अपने वेश को धारण करते हैं, ऐसा मेरा मानना है, जैसा मैं अनुभूति करती हूँ। अब ज़्यादा सवाल ना करते हुए हम सब यह जानना चाहते हैं आपसे कि आप व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के किस समस्या पर काम करना पसंद करेंगे हमारे समाज में। मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं की समस्या तो बहुत सारी होती है, जीवन है तो समस्या है, और महिलाओं की ही नहीं होती है, पुरुष भाइयों की भी समस्या होती है। हर दिन काम करते हैं तो वो समस्या से ही जूझते हैं, तो खाली महिलाओं की समस्या नहीं होती है। हम अपने घर में अगर देखते हैं तो बहनें जितना जूझ रही हैं उतना भाई लोग भी जूझते हैं। तो सब एक कार्य है, कार्य का अलग अलग प्रकार है, लेकिन बतौर महिला मैं महिलाओं के बीच में, मेरा ऐसा मानना है कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी
तो निश्चित रूप से शिक्षा जब उनके जीवन का एक अंग बन जाएगा, और शिक्षा का मतलब निश्चित रूप से एक जो भी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उस शिक्षा का उद्देश्य परक शिक्षा जो होती है उसको अगर ग्रहण करते हैं तो हमारे सभी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो जाता है। चाहे हम विभिन्न अपने प्रोफेशन को धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम महिलाओं को शिक्षित होना ही है, और शिक्षा के बाद से स्वावलंबन उसकी दूसरी कड़ी होती है। तो जब हम शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित का आशय सिर्फ ABC पढ़ना अब सब पढ़ना ही नहीं होता है, स्किल का भी, हम स्किल्ड होते हैं तो भी वो शिक्षा में ही आता है। हम विभिन्न प्रकार के अपने जीवन शैली को, अपने ज्ञान को, ज्ञान परक शिक्षा जब हम लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक जो अभिशाप होता है कि हम दूसरे के कंधे पर निर्भर होते हैं, परिवार के अन्य सदस्य के कंधे पर निर्भर होती है एक स्त्री, वह अब बेथक तोड़ भी रही है और आगे भी तोड़ेंगी। महिलाएं शिक्षित भी होंगी, बेटियां शिक्षित भी होंगी और शिक्षा ले भी रही है और अपने को स्वावलंबी बना भी रही हैं। आप चाहे शहर की बहन को देखेंगी, चाहे गाँव की बहन को देखेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर काम करने का अवसर मिले और लगातार मैं बहनों से संवाद भी करती हूँ तो उनको दो ही मसले पर मैं अपनी बात को कहती हूँ कि अपने को पहले शिक्षित करो और शिक्षित के बाद से भावनात्मकता को छोड़ो। दो लाइन पर ही मैं अपने उनको मैं एक संदेश देती हूँ कि भावुक नहीं बनना है, भावुक आपको अपने परिवार में बनना है। समाज जीवन में हम जब जाते हैं, अपने किसी प्रोफेशन को धारण करते हैं, तो हमें अपने को शिक्षित करने की तरफ अपना मोटो जो है उसी का पालन करना है, न कि हम कहीं भावनात्मकता में किसी से डल्ज हो करके। बहुत सारी समस्याएं जो महिला आयोग में आती हैं बेटियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, उन समस्याओं से हमें बचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत साधुवाद दीदी। आज सामाजिक चर्चा परिचर्चा में बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद शिल्पी जी, बहुत बहुत आभार आज आमंत्रण के लिए।